अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं फाहद शहबाज। सबसे पहले रॉयल हेडलाइंस। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़ात में 5 अफराद जांबहक और 7 जख्मी हो गए। रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। यूसुफ रजा गिलानी अपील से पहले घर जाएं, नवाज शरीफ का मुतालिबा। नवाज शरीफ सुन ले, आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, पीपल्स पार्टी का उबाड़ो और नवाज लीग का खुशाब में जलसा। इमरान खान ने कहा है कि नवाज लीग के कारकुनान का दिल तहरीक इंसाफ के लिए धड़कता है। 27 मई को रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का सुनामी आएगा। मुस्लिम लीग नवाज और हम ख्याल में इंतखाबी इत्तेहाद, 33 निशस्तों पर एडजस्टमेंट की जाएगी। हुकूमत ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा कर दिया। चोरी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात चलेंगे। पंजाब शाहबाज शरीफ का कहना है कि एहतजाज के बाद लोड शेडिंग में कमी वफाकी हुकूमत की बदनीयती का खुला सबूत है। अमरीकी सेनेटर जॉन कैरी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना अमरीका खुद करेगा। और भक्कर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, पुलिस ने मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम के कब्जे से 2 रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट्स और धमाका खेज मवाद बरामद। रॉयल न्यूज़ से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।